पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पहुंचे हेली मंडी पुरानी अनाज मंडी में, जहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। हेली मंडी की अनाज मंडी में मेवात के नूह से विधायक और पूर्व मंत्री आफताब अहमद भी मौजूद रहे। राज बब्बर ने अपने भाषण में कहा कि हुड्डा साहब ने कहा था कि आपको ऐसा क्षेत्र दे रहे हैं जहां आपको काम बहुत करना पड़ेगा, और यह भी कहा कि हमें यकीन भी है कि आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और इसी विश्वास से मैं आप लोगों के बीच आया हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आपके बीच में रहूंगा और आपका काम करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं जो सांसद चुने जाने के बाद इलाके की सुध तक नहीं लेते। मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो या फैमिली आईडी हो, जिससे आज के दिन चाहे रेवाड़ी, पटौदी या मानेसर हो, हर जगह इन्हीं समस्याओं से आमजन को जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तहसीलों में रजिस्ट्री बंद पड़ी है। यह तमाम दिक्कतें तब आ रही हैं जब तक आपका प्रतिनिधि आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज बब्बर आपकी इन समस्याओं के लिए बीच मैदान में लड़ेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि आने वाली 25 तारीख को मेरे ऊपर भरोसा जताते हुए हाथ के निशान का बटन दबाकर वोट करनी है। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। इस विश्वास और भरोसे को आप यकीन में बदल देना। 4 जून को फैसला आए तो आप गर्व से कहो कि हमने राज बब्बर को जिताकर सही फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में माहौल बनता जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की होगी, सरकार हुड्डा की होगी। जब यह सरकार बनेगी तो आपके बीच में मैं भी काम करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का कोई भी कार्य हो तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा और आपके कार्यों को लेकर भागता हुआ चंडीगढ़ जाऊंगा और आपकी समस्याओं की पर्ची लेकर दिल्ली भी जाऊंगा और आपके काम करवा कर वापिस लौटूंगा। आइए सुनते हैं इस अवसर पर राज बब्बर ने क्या कहा। मेरी सम्मानित माताओं बहनों जो वहां खड़ी है, जो इधर खड़ी है, यहां बैठी है, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार। यहां इस मंच पर हमारे आदरणीय हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यहां पर हमारे बीच में जिनके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूं, आदरणीय चौधरी जयराम जी, और हमारे मित्र यहां पर सुधीर चौधरी साहब, कल चौधरी जी, विधायक आमिर जी, पूर्व विधायक और बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, सुनीता वर्मा जी, आम आदमी पार्टी से हमारे सभी क्षेत्र के यहाँ के नेतागण हैं, मैं उन सबको सम्मान करते हुए, हमारे तरह नाम धीरे धीरे से याद होंगे, लेकिन एक तो एक यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन ये नाम याद होंगे तो भूलने वाला नहीं है आपको, जरा मुझे अच्छी तरह नाम याद भी कर लेने दो और याद करने के लिए मुझे आप जो है वक्त दे दो, ताकि आपके बीच में बस जाऊं तो कम से कम नामों को अच्छी तरह से पहचान पाऊंगा। आप साथियों, मैं जानता हूं कि आप इनको सुनने आए हैं, और सुनने से ज्यादा जो इस राज बब्बर को जिन्होंने भरोसे के साथ में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, वो लोग उन्हें का सही बारे में अगर पूछो तो ये मेरे पीछे ये मेरी जमानत है, और ऐसी जमानत है कि जिसके पास इतनी बड़ी जमानत हो तो आप जैसे लोग उस पर यकीन
करेंगे रहेगा। और मैं सभी के साथ आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। मेरे आपे ने नेतृत्व में जब मुझे एक गोगावा क्षेत्र दिया तो मुझे एक बात ही कह दी कि राज बब्बर ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें तुम्हें काम बहुत करना पड़ेगा और तुम्हें मुझे हमें उम्मीद है कि जो मेहनत करने वाले आप भी लोग काम करोगे और इसी विश्वास से मैं आपके बीच में आया हूँ। तो भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है उस यकीन के साथ मैं आपके बीच में काम करूंगा और आपके बीच में इस बात का एहसास कराऊंगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपके बीच में सिर्फ सांसद चुने जाने के बाद में वो आपको क्या वक्त देंगे हफ्ते में एक दिन आके सुबह 10 से 11 बजे यहाँ आकर मिलना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपके बीच में रहकर आपके बीच में बस कर मैं आपसे मिलूंगा और आपकी समस्याओं को जानने का काम करूंगा। गुड़गावा से जो पार्लियामेंट के कांग्रेस के उम्मीदवार है भाई राज बब्बर जी, हमारे कटौती के सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, लोकसभा में जब भी बोलते थे अपने इलाके के लिए जहां से नुमाइंदे थे तो वही सब जो है कहते थे पता नहीं राज बब्बर जी की जोर से कूदते थे, हर बात इनकी माननी पड़ती थी। तो भाई ऐसे ये उम्मीदवार हैं, ये कह रहे थे भाई अभिनेता, ये अभिनेता जी अभिनेता तो है ही और साथ के साथ बहुत तगड़े नेता भी हैं। नेता है भाई नेता है तो लोगों की नुमाइंदगी करते, तो ये आपके केवल लोकसभा में नहीं कूदेंगे बल्कि हरियाणा में सरकार बनेगी उसको भी ये आपका काम जो है राजभवन को कहेंगे वही काम यहाँ होगा प्रदेश में। इन शब्दों से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि भाई आप कौन सी हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कौन सी चाहते हो ना? मैं तो बात माननी पड़ेगी, एक बात ना मेरी मान लो एक बात तो मान लूंगा। मेरी तो ये मान लो कि भाई यहां से राज बब्बर जी को लाखों वोट से जिता कर देते हो, तुम्हारी क्या मानूंगा मैं? तुम्हारे जस्ट मैं कांग्रेसी राज बनेंगे, मैं तुम्हारी सरकार बना दूंगा इनको भेज दूंगा। बोलिए हाथ खड़े खड़े करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।